हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर आवर माइंड। तो आज की वीडियो में फिर से हम दो जॉब अपडेट्स का देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट अमेजोन की तरफ से आ रही है। तो अमेजोन अभी हायरिंग करने वाला है एसडी पोजीशन के लिए, फॉर मल्टीपल लोकेशन के लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, लोकेशन के बारे में। एंड इसके अलावा सेकेंड अपडेट बिटवाइज कंपनी तरफ से आ रही है, तो बिटवाइज कंपनी भी हायरिंग करने वाली फ्रेशर्स को, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। एंड इन दोनों के अलावा एक कंपनी और है जिसका नाम है ग्रीडी गेम, उसके बारे में डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में। एंड इन सभी के अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करेगा अप्लाई कर सकते हो। तो बात करें फर्स्ट जॉब के बारे में, जो कि अमेजोन की तरफ से आ रही है। तो अमेजोन अभी हायरिंग करने वाला है एसडी पोजीशन के लिए, फॉर फोर डिफरेंट लोकेशन के लिए। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकेंड है कर्नाटका, थर्ड है तमिलनाडु एंड फोर्थ है हरियाणा। तो आपको जो भी लोकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। एंड एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है जो लोकेशन मेंशन करा हुआ है वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको जॉब मिल सकती है अमेजोन में एग्जाम क्लियर करने के बाद। बात करें पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोगों के पास जीरो से लेके 2 ईयर एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आप लोग 90 बैच के स्टूडेंट हो, 20 बैच के स्टूडेंट हो, 21 बैच के स्टूडेंट हो, अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एंड आप लोगों ने डिग्री में बैचलर डिग्री करा हुआ है, मास्टर डिग्री करा हुआ है, सीएसआईटी ब्रांच से करा हुआ है या फिर किसी और ब्रांच से भी करा हुआ है, आप भी एलिजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हो। आपको भी मौका मिलने वाला है एग्जाम देने का। लेकिन आपसे कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग नहीं आएगी, डीएसएल को नहीं आएगा, आपको जॉब नहीं मिलने वाली कंपनी में। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, कोई भी एक लैंग्वेज आती है लाइक जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, जिसमें आप लोग कोड कर सको तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अप्लाई करने के बाद आप सभी शॉर्टलिस्ट होते हो, आपका टेस्ट का मिलाने वाला है। जो भी आपका टेस्ट होने वाला है वो 70 मिनट का होगा, जिसमें कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग का राउंड क्लियर करोगे, 15 मिनट का वर्क स्टाइल असेसमेंट होने वाला है। एंड उसके बाद आपको मौका मिलने वाला है इंटरव्यू देने का, जो कि 3 राउंड होंगे। एंड उसके बाद आपको जॉब मिलने वाली है अमेजोन में SD1 प्रोफाइल के लिए। तो जॉब वर्ल्ड काफी अच्छा है, कंपनी काफी अच्छी है, अप्लाई कर सकते हो एलिजिबल होते हो। तो बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए 4 डिफरेंट लिंक होने वाले हैं। आपको जो भी लोकेशन चाहिए उसके बाद अप्लाई करेगा, 4 लिंक आपको मिलने वाले डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करेगा। एंड आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई वाला, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन करेगा अमेजोन की वेबसाइट पर, लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म खुलने वाला है, फॉर्म फिलअप करेगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, मैं आप सभी की हेल्प कर दूंगा। तो चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा। मैं बात करें सेकंड जॉब के बारे में, जो कि ग्रीडी गेम कंपनी की तरफ से आ रही है। तो कंपनी अभी हायरिंग करने वाली है एज ए पोजिशन के लिए। एंड इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप डिग्री में कुछ भी कराओ, किसी बैच के स्टूडेंट हो, आपको जॉब चाहिए तो ये जॉब आपके लिए होने वाली है, अप्लाई कर सकते हो। एंड इस जॉब रोल के लिए आप सभी को 5 बजे तक का पैकेज मिलने वाला है पर एनएम के हिसाब से। एंड इसके लिए भी मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, बैच क्राइटेरिया नहीं है, आपको अप्लाई करना है, टेस्ट क्लियर करते हो आपको जॉब मिल सकती है विद इन 15 डेज में। एंड काफी कैंडिडेट निकाला हुआ है जी लेवल का एग्जाम। एग्जाम्पल के लिए कैंडिडेट है जिसका नाम है स्वाति रानी, एंड स्वाति ने भी जी लेवल का एग्जाम निकाला हुआ है। एंड इनको जॉब भी मिला था वीडी कंपनी में एचआर फील्ड में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इससे पहले भी एक टेस्ट दिया था जो कि बिजनेस डेवलपमेंट का था, एंड इन्होंने इसको भी क्लियर करा था। एंड स्वाति को उस फील्ड में भी जॉब मिल गई थी, लेकिन जो स्वाति का इंटरेस्ट था वो एचआर रोल के लिए था। एंड जैसे ही जी लेवल ने एचआर का टेस्ट अनाउंस करा, तो स्वाति ने एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करा एचआर टेस्ट के लिए एंड क्वालिफाई भी करा। एंड नाउ अब उनको जॉब मिला हुआ है एचआर फील्ड में। तो जी लेवल आपको फ्रीडम भी देता है कि आप लोग मल्टीपल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो। एंड आप लोग एटलीस्ट 500 मार्क्स को करते हो अपने एग्जाम में, तो आपको जॉब मिल सकती है मल्टीपल कंपनियों में। एंड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, जो एचआर का एवरेज पैकेज जाता है इनके प्लेटफॉर्म से वो 6 LPA का जाता है। तो आपको भी जॉब मिल सकती है जी लेवल के थ्रू, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड ना सिर्फ आपको जॉब मिल सकती है, आप लोग एग्जाम क्लियर करते हो जी लेवल का, तो आपको गुडीज मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन है, मैकबुक है, वॉच है, मग है, ये सब आपको मिल सकता है एग्जाम क्लियर करने के बाद जी लेवल का। तो अप्लाई करेगा, एटलीस्ट ट्राई करेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपको लिंक मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करेगा अप्लाई करेगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ना बात करें थर्ड जॉब के बारे में, तो ये बिटवाइज कंपनी तरफ से आ रही है। तो बिटवाइज कंपनी अभी हायरिंग करने वाली है फ्रेशर्स को, फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। एंड इस जॉब रोल के लिए आप सभी को 4 LPA का पैकेज मिलने वाला है पर एनएम के हिसाब से। एंड जो आपकी जॉब की लोकेशन होने वाली है पुणे होने वाली है, बट आप सभी को अभी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा सेलेक्ट होने के बाद। बाद में कंपनी बुलाती है तो आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर। एंड पहले आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा कंपनी में, एंड उसके बाद ही आप लोग कन्वर्ट होने वाले फुल टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोगों ने BBTech करा हुआ है, आप एलिजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हो। एंड जो भी आपकी ब्रांच है वो CSIT है, EEE है, EC है, IE है, टेली कम्युनिकेशन है, आप एलिजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी ब्रांच के स्टूडेंट हो आप एलिजिबल नहीं होने वाले, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। एंड इसके लिए आप सभी का मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, आपके 12th में, आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हो विद नो एक्टिव बैकलॉग। बात करें बैच के बारे में, तो आप लोग 22 बैच के स्टूडेंट हो तो ही एलिजिबल होने वाले हो, एक ही बैच एलिजिबल है। इसके अलावा किसी और बैच के स्टूडेंट हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अदर जॉब्स के लिए। मैं कल ही वीडियो पोस्ट करा हुआ है, एक बार चेकआउट करेगा, काफी सारी कंपनी हायरिंग करने वाली है लाइक TCS है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, इन सभी की हायरिंग हो रही है, चेकआउट करेगा।
बात करें अप्लाई कैसे करना है बिटवाइज के लिए, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्म है। पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई कराने के बाद फुल नेम डालेगा, फोन नंबर मेंशन करेगा, स्टेट मेंशन करेगा, कॉलेज का नाम मेंशन करेगा, देन 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, सारे बेसिक क्वेश्चन है फिलअप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर मैं आप सभी की हेल्प कर दूंगा। तो चेकआउट करेगा, अप्लाई करेगा, दोनों अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, आपको जॉब मिल सकती है कंपनी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।